हम ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट के प्रत्याशी प्रवीण पाठक हमारे साथ हैं। ये विधायक भी है यहाँ से और पैर में चोट लगी है इनको, आप देख सकते हैं किस तरह से लंगड़ा कर लेकिन पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और प्रवीण पाठक साहब, आप दक्षिण का बेटा कहते हैं, अपने आप को नेता नहीं कहते, ऐसा क्यों? मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, ग्वालियर दक्षिण का बेटा हूँ। और वो बेटा जब कोरोना काल में सारे राजा महाराजा अपने महलों में छुपे थे, सारे बड़े बड़े भाजपा के नेता अपने घरों में छुपे थे, तब ये दक्षिण का बेटा अपने ग्वालियर दक्षिण के परिजनों के लिए रोड़ों पर उनकी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब 50-50 करोड़ रुपए लेके विधायकों के सौदे हो रहे थे, तब ये ग्वालियर दक्षिण का बेटा अपने ग्वालियर दक्षिणों के परिजनों का सम्मान बचाने की खातिर उनके साथ रहा, उनके नैतिक मूल्यों पर रहा। मैं, ये मेरा नारा नहीं है कि ग्वालियर नेता नहीं, ग्वालियर दक्षिण का बेटा, इस टैग लाइन को मैं अपने जीवन में और अपने चरित्र में जीता हूँ। ये आपके पैरों में चोट लगी हुई है और आप लंगड़ा कर चल रहे हैं, लेकिन हिम्मत आपने काफी हिम्मत जुटा रखी है, तो इस तरह से चलते हुए विधानसभा दोबारा पहुंच जाएंगे, इसका भरोसा है आपको? ये जो परिजनों का इतना आशीर्वाद है, ये हजारों लोगों की भीड़ है, ऐसा एक फ्रैक्चर नहीं, पूरे शरीर में 10 फ्रैक्चर भी हो जाए तो मेरा साहस कम नहीं कर सकते। लेकिन पिछली बार जो है मार्जिन बड़ा कम रहा था, आपको क्या लगता है मार्जिन बढ़ेगा इस बार? पिछली बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, इस बार ग्वालियर दक्षिण के परिजनों का प्रत्याशी हूँ। चलिए, तो प्रवीण पाठक को पूरी उम्मीद है कि जनता इनसे बहुत प्यार करती है, खुद को दक्षिण का बेटा कहते हैं और कहते हैं कि प्रत्याशी बनकर नहीं बेटा बनकर आया हूँ और दोबारा चुनाव जीत कर जाऊंगा। पिछली बार 100 से कुछ ही ज्यादा वोट से ये जीते थे, लेकिन इनका यह मानना है कि बहुत मार्जिन बढ़ेगा और बहुत इन्हें उम्मीदें हैं। निपुण सहगल, ग्वालियर दक्षिण, एबीपी न्यूज़।